हालेलुया, सब कुछ एम सी की स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपने आप को जांचना। जिस तरह रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 की 2 आयत में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, आपको आज से ही अपनी ज़िंदगी को आत्मिक तरीके से जांचना और देखना पड़ेगा। कोई आपके बारे में चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उस समय आपने अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में है या नहीं। बाइबल में लिखा है कि अगर आप सच्चे मसीही हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, तो आपके जीवन में होने वाली हर घटना स्वर्ग से निर्धारित होगी। लेकिन अगर आप पाप में हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो वह घटनाएं नरक से हो सकती हैं और शैतान की ओर से हो सकती हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मूसा का जन्म कैसे हुआ था। निर्गमन 1:16 में हम पढ़ते हैं कि राजा ने संदेश दिया था कि अगर इब्री औरतों का बेटा होगा तो उसको मार देना, और अगर बेटी होगी तो उसको जिंदा रखना। जब मूसा पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने 3 महीने तक उसको अपने घर में छिपा रखा, पर जब वह 3 महीने से ज़्यादा न रख पाई तो फिर उसने फैसला किया कि मैं इसको छोड़ दूंगी। उसने उसको एक टोकरी में डालकर नदी में फेंक दिया। बाइबल में लिखा है कि जब उसकी माँ ने उसको नदी में फेंक दिया तो उस समय नदी में राजा की बेटी नहाने के लिए आई। उस समय कोई भी राजकुमारी नदी में नहाने के लिए नहीं जाती थी। उनके महल में नहाने के लिए बड़े बड़े तालाब बने होते थे, पर परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि आज नदी में नहाने के लिए जा, और इसलिए उस दिन राजकुमारी नदी में नहाने के लिए गई। फिर उसने वहां मूसा को देखा और उसे अपने घर में ले आई और उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की। यह योजना परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई थी। बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के लोग यूसुफ के कारण मिस्र में चले गए। जब वह मिस्र में गए तो परमेश्वर ने उनको एक राजा के अधीन कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं उनको किसी राजा के अधीन नहीं करूंगा तो मेरे लोग मारे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मिस्र के राजा के अधीन कर दिया, क्योंकि उस समय मिस्र का राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता था। इसका मतलब उनका गुलामी में जाना कहाँ से निर्धारित था? स्वर्ग से। आज लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात क्यों हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। अगर आप अपने आप को आत्मिक रीति से जांचेंगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर आपके भले के लिए ही आपको दुखों में से निकालता है, ताकि आप सदा के लिए आशीषित रहें और सुरक्षित रहें। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप को जांच सकूं और आपकी इच्छा को समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। God bless you, all of you.